बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ सईदा शहरबानो मुशर्रफ। बुलेटिन का आगाज करते खबर शामिल करते हैं लाहौर से। सदर कौमी इत्तेहाद ताजिर इत्तेहाद सेंचुरी टावर इरफान चौधरी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, सिंध और बलोचिस्तान के 90% इलाके डूब चुके हैं, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इरफान चौधरी का मजीद क्या कहना था, जानते हैं चीफ रिपोर्टर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की बद इंतजामी के बायस बारिश जहमत बन गई, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने कोई इकदामात नहीं किए। ऐसा कहना था सदर कौमी ताजर इतिहाद सेंचुरी टावर इरफान चौधरी का। उनका मजीद कहना था कि सिंध बलोचिस्तान के 90% इलाके डूब चुके हैं, बस्तियां डूब गई, फसलें तबाह हो गई, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 800 लोग शहीद हो चुके हैं, कब्रिस्तान बह चुके हैं, लोगों पर क्यामत गुजरने के बाद अमदादी सिलसिला शुरू होता है। सामान मुंतखब नुमाइंदों को दिया जाता है जो वोट की सियासत कर रहे हैं, यही अखलाकी सवाल है। इरफान चौधरी ने कहा वो एनजीओ जो दुनिया भर से गरीब और मुतासर अफराद के नाम पर करोड़ों रुपयों के फंड इकट्ठे करते हैं, ऐसे मौकों पर न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। सदर कौमी ताजर इतिहाद सेंचुरी टावर इरफान चौधरी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चौधरी मोहम्मद इरफान सदर कौमी ताजर इतिहाद सेंचुरी टावर से, अस्सलामुअलैकुम। मैं नहायत ही अफसोस के साथ, दिली अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है, जैसे सैलाब, जैसे जलजला जंदगान और इस तरह की कोई और आतशगीर, अगर कोई भी नुकसान होता है हमारे मुल्क में, तो जो एनजीओज वो बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं और हमारे लोगों का नाम लेकर दुनिया भर से करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करती हैं, और जब लगाने का टाइम आता है और कहीं भी ये लोग हमें फिर दिखाई नहीं देते, नज़र नहीं आते। जैसा कि अब सिंध बलूचिस्तान तोंसा सखर इस तरह के इलाकों में सैलाब आया है, इतनी ज़्यादा नुकसान हुए हैं, यहाँ पे हमें कहीं भी कोई भी अदारा, ऐसा हुकूमत, जो हुकूमत पहली हुकूमतें गुजर चुकी हैं, जो अब इस टाइम हुकूमत चल रही है, कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि इस मुश्किल टाइम पर कोई ऐसा लाअमल लगाया जाए, किया जाए, जिससे हमारे जो भी इंसान हैं, जानवर हैं और मज़दूर तबका है, इन लोगों को हम लोग रिलीफ दे सकें, हम लोग इनको कहीं और जगह पर शिफ्ट कर सकें, हम लोग इस चीज़ को डैमों की शक्ल में ला के इस पानी को सेफ कर सकें। हमें इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। साबका और मौजूदा हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदारान और एनजीओज और बाकी जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने बहुत दावे किए कि हम लोग मुसलमान पाकिस्तान अवाम, गरीब अवाम और इन लोगों के साथ हैं, लेकिन इस मौका पर माएँ अपने बच्चों की लाशें ढूंढती रहीं, इस मौका पर लोग अपने जानवरों से हाथ धो बैठे, इस मौका पर कोई किसी के भी आड़े काम नहा आया मौका पर। और ये चीज़ें जब हम लोग वोट लेने जाते हैं और जब हम लोग अपने मकसद के लिए वहाँ जाते हैं, जब हमें अपना मकसद होता है तो बहुत सारे हम लोग दावे करते हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है तो कोई भी वहाँ पर नज़र दिखाई नहीं देता। मैं बतौर सदर सेंचुरी टावर इन तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो इस मुश्किल टाइम में, इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों के साथ खड़े हैं। और हम लोग जितने भी ताजर हजरात हैं, हम लोगों ने हमेशा की तरह, जिस तरह पाक फ़ौज हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है, इस तरह हर मुश्किल टाइम में ऐसे लोगों की मदद भी की है, और इन लोगों का मदद करना हमारा हक भी है और हमें चाहिए इन लोगों की मदद करें। मैं उन मुतासरीन से इजहार यकजहती करता हूँ जिनके प्यारे पानी में बह गए, जिनके मवेशी, करोड़ों के, लाखों के मवेशी मर गए और जिनके घर तबाह हो गए। इन तमाम जितने भी लोग थे, मैं इनसे इजहार यकजहती करता हूँ और मुझे दिल से, मुझे दुख है इस चीज़ का। और शहीद होने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनके लवाकीन से, दिल से
दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और इनकी जो नुकसानात हुए हैं अल्लाह पाक पूरा करे और जो इनके शहदा हैं उनको उनके दर्जात बुलंद करें और इनके जो लाहकीन हैं जिनके वालदैन बहन भाई जितने भी हैं इनको सब्र तहमल अता फरमाए आमीन। डीजी खान से आपको बता रहे हैं, डीजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आपको बता रहे हैं आज फौज की टीमों ने फंसे हुए लोगों को बचा लिया है जिनमें खातीन बच्चे और उनके अमलाक को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। रिलीफ कैंपों में मुकीम लोगों को तैयार खाना और खुश्क राशन तकसीम और समेत ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही है और मुतासरीन में तैयार खाने की तकसीम का अमल भी ज़ोरों शोर से जारी है। आर्मी मेडिकल कोर के कायम करदा मेडिकल कैंपों में सेहत की देखभाल की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम वसाइल ब्रोएकार ला रही है। खबर शामिल करते हैं कोटचट्टा से अपने तहसील रिपोर्टर मोहम्मद कलीम कलेरी से। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कारवान सेहत की फ्री डिस्पेंसरी की वैन कायम कर दी गई है जिसमें हर तरह की मेडिसिन और फ्री चेकअप किया जा रहा है। ये तहसील कोटचट्टा के मुख्तलिफ जगहों पर जहां सैलाब से मुतासर अफराद रहते हैं वहाँ पर काम कर रही है। मजीद जानते हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन है, मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ टी एच यू कोटचट्टा में, लेकिन मैं FCPS आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ हाजन मुराद मौजा नवा शुमाली में। यहाँ पे ये सारे लोग अफेक्टेड हैं तो यहाँ पे हमने पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री कारवान सेहत के नाम से एक डिस्पेंसरी कैंप की गई है जिसमें हर तरह की मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और उनको इलाज मुआवजा कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि उनको एलर्जी की शिकायत है, क्योंकि जूते नहीं होते, पानी में घूम रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हर एक की शिकायत है। तो हमने हर तरह की मेडिकेशन यहाँ पे रखी हुई है और हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। थैंक यू। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं लोधरा से। लोधरा से मोहम्मद अफजल खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरा राय मोहम्मद यासिर भट्टी ने कहा है कि रवामा के दौरान 658 गिरा फरोशों को तकरीबन 12 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 31 नाचाइस मुनाफाखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ अपने दफ्तर के कमेटी रूम में जिला प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए किया है। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। मिंचनाबाद में 33वां 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक पीर तरीकत रहबरे शरीयत हज़रत बाबा पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वली इब्ने वली पीर तरीकत रहबरे शरीयत हज़रत बाबा पीर सैयद नवाब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ताला बातारीख का सालाना उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। उर्स 1 सितम्बर बरोज़ जुमेरात कुरान खानी और गुसल मुबारक, 2 सितम्बर बरोज़ जुमा चादर पोशी और महफिल समा, 3 सितम्बर बरोज़ हफ्ता इख्तितामी नशिस्त महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह 10 ता 4 बजे तक ज़ेर सरपरस्ती साहबजादगान हाजी पीर सैद असवार हुसैन शाह बुखारी, हाजी पीर सैद अल्ताफ़ हुसैन शाह बुखारी, हाजी पीर सैद फ़खर नवाब शाह बुखारी, हाजी पीर सैद आलम नवाब शाह बुखारी। उर्स मुबारक में मजहबी स्कॉलर्स कुरान खानी के हजरात वकला आपको बता रहे हैं नातवा और सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे स्पेशल रिपोर्टर मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक वगन शहर में बरसात ने तबाही मचा दी है। एक गरीब मजदूर शबीर वगन का मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उनके घर में 3 कमरे थे, वो तीनों कमरों की छतें गिर गई हैं और पूरा मकान गिर गया है और घर का सारा सामान टूट गया है। अब उनके बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इन गरीबों को कोई ना मुंतखब नुमाइंदा आया है और ना ही कोई इन गरीबों की मदद कर रहा है। हम वज़ीर आज़म को अपील करते हैं हमें रिलीफ फंड से इमदाद दी जाए और हमें खैमा वगैरह दिया जाए तो हम अपने बच्चों को बरसात और धूप से बचा सके। हम DC कंबर शहदाद कोट को अपील करते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारी मदद की जाए और हमें गिरा हुआ मकान दोबारा तमीर करा के दिया जाए।
शरफपुर से खबर शामिल करते हैं। इशफाक अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक शरफपुर शरीफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ शरफपुर शरीफ के काही सेमिनार मनाया गया है। शरफपुर शरीफ टेंगे काही सेमिनार में कॉलेज के प्रोफेसर हजरात तुलबा ने शिरकत की है। शरफपुर शरीफ कॉलेज के अंदर डेंगू से बचाव के इकदाम के बैनर्स और फ्लैक्स वगैरह लगाई गई। शरफपुर शरीफ कॉलेज के तुलबा स्टाफ अमला और प्रोफेसर हजरात ने मिलकर एंटी डेंगू वॉक आउट की और रैली भी निकाली। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पाक फौज का डेरा गाजी खान और राजनपुर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज ने डेरा गाजी खान के अजला के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी कर दिया है। इस वक्त तक पाक फौज की टीमों ने मुतासर इलाकों में फंसे हुए मुतद अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को इनके सामान समेत बचा कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। डी जी खान के सैलाब से मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पिछले एक महीने से पाक फौज की जानब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार अली डिवीजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ लाड़काना। हालिया बारिश शदीद बारिशों ने जिस तरह तबाही मचा दी इसमें ज़िला लाड़काना शदीद मुतासिर हुआ है। ज़िला भर 1,00,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए और कई लोग अभी अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। शहर के इलाके बैतुलमाल कॉलोनी पर स्पेशल रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर। जी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लाड़काना शहर है और लाड़काना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को इज्जत मिलती है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है यहाँ पे उनको वोट दिया जाता है। यहाँ पे जो सूरत हाल है पानी की वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई सैलाब आया हो। तो उस हवाले से हमने लाड़काना से जो दूसरे जो फुटेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे और ख़ासतौर पर हमने यहाँ पे जो लाड़काना में बैतुलमाल कॉलोनी है वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे जो फैमिलीज हैं जो बच्चे हैं वो उनको महफूज जगह पे भेजा गया है। बाकी जो मर्द जितने भी हैं वो अपनी घरों में मौजूद है अभी भी। आइए इनसे बात करते हैं। आज तक मैंने देखा है आज से 12 से 15 दिन हो गए इस जंगल में खड़े हुए हैं। आप दरिया में देख रहे हैं हम मर गए हैं। आज तक आप ही हैं जो हमारे पास आए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं आप साफी भाइयों को। कोई भी मेरे पास नहीं आया। मेरे बच्चे मर गए हैं। मेरे बच्चे तबाह हो गए हैं। बोल बोल के थक गए हैं। बिलावल साहब को आवाजें लगा लगा के थक गए हैं। सोमरे साहब को आवाज लगा लगा के थक गए हैं। सियाल साहब को आवाज दे दे के हम थक गए हैं। निसार साहब को आवाज दे दे के हम थक गए हैं। मेरे पास काउंसलर तक नहीं आया। हम मर गए हैं। हमें आपकी कुछ चीज नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ मुतालबा है खुदा के लिए मेरी बेतुलमाल और मेरी पस्त गर्दाई और उसी के साथ साइड में कच्ची आबादी है वो मेरी तबाह बर्बाद हो गई है। हम तो थक गए हैं। हमारे पास इतनी जान तक नहीं। यहाँ पे बीमारियों ने मुंह खोला हुआ है जिसमें डायरिया स्किन की बीमारी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पानी है और यहाँ सामने बहुत बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद जो भी 20 दिन से उनमें नहीं आजान है नहीं नमाज है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये तो आज 26 तारीख है जुम्मे का दिन है। आज बरसात बंद हो गई है लेकिन आप देख सकते हैं आप कैमरा के आग से देख सकते हैं कि यहाँ से अभी तक पानी आ रहा है। हम बार बार यहाँ के लीडरशिप के पास गए हैं यहाँ के जो नुमाइंदे उनके पास गए हैं। हमने कहा है कि भाई हमारा तदारक कीजिए हमारे कॉलोनी से पानी निकालिए लेकिन अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक मीडिया या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये बंदे आ रहे हैं पता नहीं कहाँ सर्किट हाउस में बैठ बैठ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ लाड़काने को इतना पैकेज दिया गया है और हमने सुना है कि बाहर ममालिक से भी बहुत बड़ा पैकेज आया है लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पैकेज है कि कोई पानी निकालने के लिए तैयार नहीं है। कोई यहाँ मशीन देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले इन्होंने 2 जो है ना वो खाने की देगी भेजी थी लेकिन वो भी उनके पास आए जिनके घर जो सही थे
जिनके घर मिसमार हो चुके थे, जिनके घर खत्म हो चुके थे, उनको भी खाना नहीं मिला। ये गवर्नमेंट से मुतालबा है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारा यहाँ से पानी निकाला जाए, क्योंकि हमारे घर मिसमार हो चुके हैं, हमारे घर तबाह हो चुके हैं, हमारे सारे बच्चे जो हैं ना अभी मर रहे हैं पानी में। बहुत बड़ा पानी है घरों में, नहीं कोई खाना पका सकता है, नहीं नहीं गैस है, नहीं बिजली है। अब ये सामने जो ये घर टूटे देख रहे हैं, ये सारे घर जो हैं ये पानी है। ये इसको मेरा ख्याल में ये 15 तारीख को जैसे ही बरसात चली है तो ये घर टूटे हैं। इसके बाद ये जो बैतुलमाल कॉलोनी है, ये जो मिठल कॉलोनी है, इसके बाद कच्ची कॉलोनी है, ये तीन कॉलोनी आपस में आप इकट्ठी हैं। इनमें कम से कम मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो खड़े हैं घर वो भी तब खत्म है। जो है ना कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा है किसी भी पार्टी का, कोई भी सियासी पार्टी का, गवर्नमेंट की पार्टी का, जो सियासी पीपल्स पार्टी है और दूसरी पार्टियाँ, कोई भी गरीबों को पूछने नहीं आया। बस अल्लाह का सहारा लेके बैठे हैं, जल्द से जल्द जितना हो सके कि यहाँ के लोगों को रिलीफ दिया जाए, यहाँ से पानी निकाला जाए। कोई भी सियासी वगैरह या गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा है। जी आपने देखा कि यहाँ के जो वकील हैं बैतुलमाल कानूनी लड़काना को, इनका कहना है कि यहाँ पे हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो घर हैं, वो बिल्कुल ही पानी के बीच में, और पानी के बीच तकरीबन 15-20 दिन हो गए, और जितने भी लोग आते हैं फोटो सेशन करके बाहर से ही चले जाते हैं, अंदर कोई भी नहीं आता, ना इनको कोई पूछने वाला है, ना यहाँ पे कोई डिस्पोजल जो मशीन रखी हुई है वो नहीं चल रही, यहाँ इनके पास इंतजामिया के पास डीजल के पैसे नहीं है। जो डीसी है लड़काना, वो डीसी का नंबर जितने भी नंबर हैं उनके टोटल नंबर जो है वो इंतजामिया के वो बंद हैं। मुसलसल जितनी बारिशें यहाँ पे 15 दिन से मुसलसल बारिशें चल रही हैं, तो इनके मुसलसल इनके नंबर बंद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा हैं उनके नंबर वो बंद हैं, या तो लड़काना से बाहर हैं। लड़काना में कोई भी नहीं है यहाँ पे, जो इन है वो सिर्फ इतनी हद तक के वो फोटो सेशन करवा के उसके बाद वापस नहीं आता। कैमरा टीम के साथ ज़ुल्फ़िकार वली, रॉयल न्यूज़, लड़काना। रॉयल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए रॉयल न्यूज़।